हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो है प्लांट सेफ्टी इंस्पेक्शन के बारे में, कि प्लांट सेफ्टी इंस्पेक्शन आप कैसे कैसे और क्या क्या चीज़ें करके कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको किस पे ध्यान देना है, सेफ्टी पे। तो सेफ्टी अगर आप अपनी इंडस्ट्री में रखना चाहते हैं तो आपको ये दो चीज़ें करनी होंगी, जो कि है सेफ्टी के लिए सेफ्टी ऑडिट्स और सेफ्टी इंस्पेक्शंस। ठीक है, इन दोनों से ही आप जहाँ तक है अपनी सेफ्टी जो है इंडस्ट्री की उसे सिक्योर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, रेगुलरली जो इंस्पेक्शंस आप करते हैं कहीं ना कहीं उनसे सेफ्टी पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। क्योंकि रोज़ जो देखने वाले हज़ार्ड्स आप देख रहे हैं, जो खतरे आप देख रहे हैं, वो पर डे एलिमिनेट किए जा रहे हैं। और पर डे एलिमिनेट हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपके यहाँ से जो एक्सीडेंट्स लिस्ट है उसमें हज़ार्ड्स जितने भी हैं वो पर डे बेसिस पर एलिमिनेट किए जा रहे हैं। तो एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। ठीक है, तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है, सेफ्टी इंस्पेक्शन की वजह से और सेफ्टी ऑडिट्स की वजह से। सेफ्टी ऑडिट्स भी जो किए जाते हैं वो सब यही बताते हैं आपको कि जो भी आप इंस्पेक्शन आपने किए हैं उन्हीं के बेसिस पे फिर ऑडिट्स आपको रिजल्ट शो करते हैं। ठीक है, तो देखिए, सेफ्टी रखने के लिए मेनली अपनी दो चीज़ें हो गई, सेफ्टी ऑडिट्स और सेफ्टी इंस्पेक्शन। इन दोनों पे अगर आप ध्यान देते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत हद तक आपके इंडस्ट्रीज़ में होने वाले जो भी एक्सीडेंट्स हैं उनसे आपको रिलैक्स मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप तो रेगुलर बेसिस पे इंस्पेक्शन कर रहे हैं ना, आपके वहाँ से तो रेगुलरली बेसिस पे जो हज़ार्ड्स हैं वो एलिमिनेट किए जा रहे हैं ना, फिर क्या कैसे हो सकता है? फिर तो एक्सीडेंट्स होने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ही ज़्यादा लेस हो रही हैं। ठीक है, तो पॉसिबिलिटीज़ जो है उन्हें हमें लेस करना है कैसे भी करके, तो हम वो करेंगे कैसे, सेफ्टी इंस्पेक्शन के थ्रू। ठीक है, तो प्लांट सेफ्टी इंस्पेक्शन आपसे यही कहता है कि कंटिन्यूअस इंस्पेक्शन करना चाहिए आपको और प्रोडक्ट इंस्पेक्शन करना चाहिए। ठीक है, इंस्पेक्शन का मेन मॉनिटरिंग फंक्शन यही होता है कि आपको पूरे ऑर्गेनाइजेशन में पूरी रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए कि हज़ार्ड पोटेंशियल क्या क्या है, कितनी कैपेसिटी है उनमें एक्सीडेंट्स होने की वर्क प्लेस के अंदर। तो वर्क प्लेस के अंदर कौन कौन से एक्सीडेंट है, कितने पोटेंशियल हैं उनमें एक्सीडेंट्स के, कितना परसेंट उनमें हार्म हो सकता है, कितने परसेंटेज एक्सीडेंट हो सकते हैं, तो इस तरीके से इसमें बताया गया है। ठीक है, तो इंस्पेक्शन जो है वो उसको पहला प्रायोरिटी देके आपको इंस्पेक्शन रेगुलर बेसिस पे करने चाहिए। आपको देखना चाहिए क्या हैज़ार्ड है, किस तरीके से आप एलिमिनेट कर सकते हैं, कैपेसिटी ऑफ एक्सीडेंट क्या है, सारी चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी होंगी। और इसको इन रिटर्न, मतलब आपको चेकलिस्ट मेंटेन करके इन सबको करना होगा। क्यों? क्योंकि आप जब भी नेक्स्ट टाइम जब उस चीज़ को वेरीफाई करना है, जब उसे चेक करने आए, तो वो सारी चीज़ें आप तभी चेक कर पाएंगे ना, तब भी जब चेकलिस्ट मेंटेन होगी तो आप देख पाएंगे कि जो एक्सीडेंट्स हमने देखे थे उन पर वर्क किया गया भी है या नहीं। ठीक है, तो यही इसमें बता रहा है वो कि प्लांट सेफ्टी इंस्पेक्शन जो है वो यही कह रहा है कि आपको जो इंस्पेक्शन है वो कंटिन्यूस इंस्पेक्शन करना है और पीरियडिक इंस्पेक्शन करना है, जिससे कि होने वाले एक्सीडेंट्स से आप कमांड बना सकें और सारे इस टाइप के हज़ारिया सिचुएशन देख के आप उन एक्सीडेंट्स को एलिमिनेट कर सकें अपने वर्क प्लेस से। अब बात करते हैं, देखिए प्लांट सेफ्टी की बात चल रही है, प्लांट सेफ्टी इंस्पेक्शन की। तो प्लांट सेफ्टी इंस्पेक्शन में सेफ्टी मेजर्स अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या रहते हैं? तो सबसे पहले तो मशीनरी पे आपको ध्यान देना होगा, मशीनरी कैसी वर्क कर रही है आपके यहाँ की, मशीनरी में कोई ज़्यादा नॉइजी तो नहीं है, कुछ वर्क पार्ट अच्छे से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। ठीक है, मशीनरी का मोशन क्या है वो पता होना चाहिए, आपके एम्प्लॉयज़ में कौन है, यंग पर्सन्स हैं और डेंजरस मशीन्स जो भी हैं, इन सब पे ध्यान देना होगा कि कौन सी डेंजरस मशीन है, उन पे यंग पर्सन्स को ही आप भेजें ताकि वो उस मशीन को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँ। अभी क्या है, ऑटोमेटिक मशीन्स आ रही हैं कुछ कुछ, ठीक है, जिसमें क्या होता है आपको सारी चीज़ें सेट करनी होती है, उसके बाद वो वर्क करना शुरू करती है। ठीक है, तो जो जैसे कि ओल्ड पर्सन्स रहते हैं, जो वर्कर रहते हैं, वो उतना ज़्यादा एजुकेटेड तो नहीं होते कि उनको ऑपरेट कर सके, तो वहाँ भी आपको ध्यान रखना है कि किस मशीन पर कौन ऑपरेट उसे कर सकता है, उस तरीके का कोई एम्प्लॉय आप भेजें, है ना। इसी तरीके से आपको सेल्फ एक्टिंग मशीन्स पर ध्यान देना है। ठीक है, न्यू मशीनरी जो भी आई है उस पर वर्क देखना है, लिफ्टिंग कैसी हो रही है वहाँ पे, होस्टेस कैसे हो रहे हैं, लिफ्टिंग मतलब जैसे कि कोई सामान आप कैसे क्या उठा रहे हैं, उन पे भी कमांड होना चाहिए कि किस तरीके से किस सामान को उठाना है। ठीक है, मशीनरीज को चेक करना, लिफ्टिंग मशीनरीज जो रहती हैं उनकी चेन्स चेक करना, रोप चेक करना, लिफ्टिंग टैकल्स कैसे कर रहे हैं वो सब चीज़ें चेक करना। ठीक है, और प्रेशर प्लांट वगैरह, देखिए इसमें ऑल ओवर जो भी प्लांट में होने वाले वर्क्स हैं जिससे भी जुड़े हुए हैं उन पर पूरा का पूरा ध्यान होना चाहिए।
क्यों? क्योंकि देखिए एक्सीडेंट होना जो होता है वो कैसे होता है, सेफ्टी जो आप प्लांट इंस्पेक्शन कर रहे हैं वो उसी चीज़ से ज़्यादातर रिलेटेड रहता है। जैसे कि अभी आप किसी मशीन पर ध्यान ना दें और वो मशीन में कुछ प्रॉब्लम हो और उसको कोई भी ऑपरेट कर रहा है उसे नहीं पता चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक हैज़ार्डियस सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। कटिंग हो रही है किसी भी प्लांट में, किसी भी कटिंग वर्क चल रहा है, गैस कटिंग चल रही है कुछ भी, तो उसमें अगर आपने सेफ्टी मेंटेन नहीं रखी, हॉट वर्क सेफ्टी नहीं मेंटेन की, तो कहीं ना कहीं वो भी हैज़ार्डियस सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। तो इस तरीके से सेफ्टी मेजर्स पे आपको ध्यान देना है। जो भी ऐसे तरीके से होने वाले वर्क हैं वो आपको चेक करना है कि होने वाले जो भी वर्क हैं जितने भी हैं इनमें कितना पोटेंशियल है हैज़ार्ड का और आप कैसे उसे एलिमिनेट कर सकते हैं। उसके बाद एक चीज़ और आती है, मेजर टू इंश्योर इंडस्ट्रियल सेफ्टी। तो सेफ्टी पॉलिसीज़ पे आपको वर्क करना है, जो भी आपकी इंडस्ट्री की सेफ्टी पॉलिसी बोलती है वो उस पर वर्क करना है। सेफ्टी कमेटी पे आपको वर्क करना है, सेफ्टी इंजीनियरिंग पे आपको वर्क करना है, ठीक है। उसके बाद गार्डनिंग ऑफ मशीनरी। सब क्या होता है, कुछ कुछ मशीन होती है जिनमें वर्क हो रहा है, ठीक है, जिनसे आप वर्क कर रहे हैं, अब क्या है उनकी प्रॉपरली गार्डनिंग नहीं करी गई है, उनको गार्ड नहीं किया गया, गार्डेड नहीं किया गया है, तो उनमें से कहीं से भी मतलब एक्सीडेंट होने के चांसेस हो सकते हैं कि आपकी गलती से कहीं भी हाथ चला गया तो रिस्की हो सकता है वो, या कभी आप केयरलेसनेस से वर्क कर रहे हैं, गलती से कुछ भी पैर चला गया, कुछ भी टच हो गया, तो इस तरीके के एक्सीडेंट उसमें हो सकते हैं। तो आपको क्या ध्यान देना है, आपकी गार्डनिंग मशीनरीज कैसी हैं, आपने उनको अच्छे से वेल गार्डेड करके रखी हैं या नहीं, ठीक है। तो मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, जो भी आप मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसके हैंडलिंग इक्विपमेंट जो भी हैं वो सेफ है या नहीं, सेफ्टी डिवाइसेस क्या क्या हैं, ठीक है। प्लान मेंटेनेंस भी होना चाहिए। देखिए जैसे किसी भी काम को करने के लिए कोई भी SOP बनाई गई है तो उसके अकॉर्डिंग ही वर्क हो, ऐसा नहीं हो कि मतलब आप कुछ भी काम कर रहे हैं, किसी भी काम को कैसे भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, प्लान मेंटेनेंस होना चाहिए। हाउसकीपिंग पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि देखिए जब तक प्रॉपरली हाउसकीपिंग नहीं होगी तो गंदगी होगी। देखिए सामान इधर से उधर फैला होगा, इसमें क्या होगा, जो लोग लिफ्टिंग कर रहे हैं या मशीनरी चल रही है या कोई भी व्हीकल चल रहा है तो उनको हार्म होगा, मतलब कुछ भी इस तरीके से रिस्क देखने को मिल सकती है, इस तरीके से एक्सीडेंट्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और सेफ्टी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप जहाँ भी हैं वहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ये समझ लीजिए 75% आप ट्रेनिंग देने से एक्सीडेंट्स को रोक सकते हैं, क्योंकि सेल्फ सेफ्टी अगर कोई भी इंसान करता है तो बहुत हद तक सेफ रह सकता है। अब ऐसा तो नहीं है आप सबकी सेफ्टी के लिए पीछे पीछे जाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, तो आपको उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। ट्रेनिंग से क्या होगा, वो इंसान अपनी सेफ्टी को लेके इतना कॉन्शियस रहेगा, वो खुद समझेगा फिर कि मुझे अपनी सेफ्टी रखनी है, प्लस वो दो लोगों की और साथ में सेफ्टी रख सकता है। उसको हर चीज़ जैसे कि फायर सेफ्टी से रिलेटेड है तो आप उसको इक्विपमेंट कैसे ऑपरेट करते हैं वो सिखाए, सेफ्टी से रिलेटेड है तो SOP के अकॉर्डिंग वर्क करें, ये वाले जो भी मशीनरी है उसमें कैसे वर्क होना है, किस तरीके से होना है, वो सारी चीज़ों के बारे में उसे जानकारी हो। तो ट्रेनिंग का यही मकसद होता है कि पर्सन को सामने वाले को इतना ट्रेन कर देना कि वो इस तरीके एक्सीडेंट का शिकार ना हो, ठीक है। तो मेजर्स टू इंश्योर इंडस्ट्रियल सेफ्टी में यही आता है, इंस्पेक्शंस में यही आता है कि आपको डेली बेसिस पे यही चेक करना होता है कि आपकी पॉलिसीज फॉलो हो रही है या नहीं, सेफ्टी कमिटी आपकी मेंटेन्ड है या नहीं, ठीक है। आपने जो भी सेफ्टी इंजीनियरिंग उसमें लगाई है, जो भी इंजीनियरिंग की टेक्निक्स लगाई हैं क्या वो वर्क कर रही है या नहीं, मशीनरीज पे गार्डनिंग प्रॉपर है या नहीं, मतलब ये सारी चीज़ें आपको क्या इंस्पेक्शन में चेक करनी होती है। और मेन प्लांट सेफ्टी इंस्पेक्शन का यही मकसद होता है कि आप इंस्पेक्शन के थ्रू इस तरीके के हैज़ार्ड्स को एलिमिनेट कर सकें, ठीक है। तो आज ये मैंने आपको प्लांट सेफ्टी इंस्पेक्शन के बारे में बताया, सो थैंक यू।